अलवर शहर स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में घुड़सवारों के लिए प्रशिक्षण मैदान बनाया जाएगा। सोमवार सुबह प्रशिक्षण मैदान का शिलान्यास समारोह शहर विधायक बनवारीलाल सिंह और पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने किया। अलवर शहर स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में घुड़सवारों के लिए प्रशिक्षण मैदान बनाया जाएगा। सोमवार सुबह प्रशिक्षण मैदान का शिलान्यास शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल और पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने किया। इसके तहत पुलिस लाइन में करीब 30 लाख रुपए की लागत से कमरे, चारे का प्लेटफार्म और घोड़े दौड़ाने के लिए ट्रैक नगर परिषद की ओर से बनाया जाएगा। शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्यास चेयरमैन देवी सिंह शेखावत और शशि तिवाड़ी अशोक गुप्ता मौजूद रहे। साथ ही आईपीएस अनिल बेनीवाल, एएसपी मूल सिंह राणा, श्याम सिंह सहित डीएसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज अलवर की पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए जो ट्रैक बनवाने के लिए बहुत बड़े काम का स्वीकृति नगर परिषद अलवर के द्वारा की गई है, उसका शिलान्यास करने के लिए मैं स्वयं हमारे चेयरमैन नगर परिषद, हमारे चेयरमैन यूआईटी, एसपी साहब अलवर, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी और हमारे सभी पुलिस अधिकारी सब लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस के बहुत सारे कार्मिक भी मौजूद हैं। इन सब की उपस्थिति में सारे मीडिया के सामने ये हमने एक उद्घाटन का काम किया है। बहुत अच्छी बात यह है कि इस ट्रैक के बनने से अलवर शहर के वो बच्चे जो घुड़सवारी सीखना चाहते हैं, जो पुलिस परिवार से भी नहीं है या नौकरी में नहीं है, जिनके परिवार भी और स्वयं भी, उनको भी पुलिस ने 7 दिन की एक प्राइमरी ट्रेनिंग का जो एक सिस्टम बनाया है, ये वास्तव में बहुत धन्यवाद करने योग्य है, अभिनंदन करने योग्य है। एक सूझबूझ का परिचय भी हमारे अलवर के एसपी साहब ने दिया है, इनको मैं बहुत धन्यवाद राहुल प्रकाश जी का करता हूँ। सभापति महोदय, नगर परिषद, माननीय विधायक जी का, जिन लोगों के प्रयासों से आज पुलिस लाइन में लगभग 36 लाख का काम शुरू हो रहा है। घुड़साल के अंदर बहुत बुरी कंडीशन में हमारी घुड़साल थी, वाकई चिंतनीय दशा थी, अब मैं मानता हूँ कि इसका विकास होगा। साथ ही साथ ये पब्लिक और पुलिस के बीच में एक जन सहभागिता का भी एक नया अवसर विकसित हो रहा है, जिसमें कि हम लोग अपने स्कूली बच्चों को यहाँ पर घुड़सवारी की फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि वो पुलिस से जुड़ेंगे, पुलिस के प्रति उनकी भावना भी सकारात्मक होगी और हमें जानने समझने का सभी को मौका मिलेगा। बहुत बाहर के बच्चे और लोग आएंगे, किसी तरह का कोई शुल्क लगेगा? हाँ, बाहर के सारे स्कूली बच्चों तक को हम लोग ट्रेनिंग देंगे।